हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं जनरल साइंस के बारे में, जिसमें देख रहे हैं हम लोग जीव विज्ञान, ठीक, बायोलॉजी। तो हम लोग पिछले 17 चैप्टर खत्म कर चुके, ठीक है। 17वां चैप्टर था जंतु जगत का वर्गीकरण, ठीक है। बात करते हैं हम लोग मानव शरीर क्रिया विज्ञान। आपको फिर से बता दें, ये सभी लेक्चर जितने 17 खत्म कर दिए, ये जनरल साइंस प्ले लिस्ट में जो सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं, ठीक, याद रखिए। शुरू करते हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 300। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? 8। मनुष्य शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो याद रखना 12। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ पाई जाती है? जबड़े में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? फीमर। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली। टीबिया स्टेपिस व फिबुला नामक हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं? टांग में। मानव शरीर के किस अंग को हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी से। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। मानव मस्तिष्क में कौन सा एक भाग निग्रण और उल्टी का नियमन केंद्र है? मेडुला ओब्लोंगेटा, ठीक है। आगे बात करते हैं, किसकी उत्पत्ति यकृत का कार है? यूरिया। अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? टेंडन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। मानव शरीर में पाचन अधिकांश भाग किस अंग में होता है? छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है मुख से। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 32। मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जैव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। अगला है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम्स की। लार किसके पाचन में सहायक है? फाइबर। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? परावटु हार्मोन, पैराथायरॉइड। अगला है, मानव शरीर में किस अंग में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है? डिम्ब वाहिनी नली में। रक्त लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाती है? लोहित कोशिकाएं। मानव शरीर के अंदर नलिकाओं में रक्त का मुक्त प्रवाह होता है। किस रसायन की उपस्थिति में नलिकाओं में प्रभावित रक्त का धब्बा नहीं जमता? हेफेरिन।
मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हेपेरिन। रुधिर प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट। रक्त लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? इरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कणिकाओं कहाँ उत्पन्न होती हैं? अस्थि मज्जा में। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? पीलिया। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। आगे बात करते हैं। अप रूपांतरण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? रक्त या लसिका तंत्र से कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थान या अंगों तक फैलती हैं। डीएनए की किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक की सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है? दोरज्जुक की पूरकता। अगला है, हीमोफीलिया के कारण किस प्रकार का विकार उत्पन्न होता है? रक्त का स्कंदन ना होना। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या में क्या अंतर होता है? आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। सफेद रक्त कणिका WBC का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिकाणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल्स। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? WBC। रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर। RH फैक्टर का पता किसने लगाया है? लैंडस्टीनर तथा वीनर ने। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं? याद रखिए AB में। किस वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? O में। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? याद रखिए एंटीजन O में नहीं पाया जाता है। मानव शरीर में पित्तरक्षी के निर्माण को कौन सा पदार्थ बढ़ावा देता है? एंटीजन पित्तीजन। ठीक है, आगे बात करते हैं। रुधिर के चारों वर्गों के साथ एंटीबॉडी का वितरण। ये रुधिर वर्ग है, ये एंटीजन है, एंटीबॉडी है और भारतीय समाज है। ठीक, रुधिर वर्ग ए, इसमें केवल ए एंटीजन पाया जाएगा, वो एंटीबॉडी भी पाया जाएगा। ठीक, और कितने परसेंट भारतीय समाज है? 23.50%। फिर है रुधिर वर्ग बी, इसमें केवल बी एंटीजन पाया जाएगा, एंटीबॉडी ए पाया जाएगा, 34.50% है। फिर है ए बी वर्ग, तो इसमें एंटीजन दोनों पाए जाएंगे ए बी, लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, 7.50%। ओ, कोई एंटीबॉडी एंटीजन नहीं पाया जाएगा, एंटीबॉडी ए बी दोनों पाए जाएंगे, 34.50%। ठीक, अब बात करते हैं कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक आपादा आदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में पित्त पिंड का अभाव होता है। कौन सा रक्त सार्वत्रिक दाता होता है? तो याद रखिए ओ। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो, महिला का रक्त वर्ग ओ हो, तो संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? ओ। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो, तो बताइए उसके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? ओ। कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? तो याद रखिए ए बी और बी। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? संक्रमण के। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से। ठीक है, याद रखिए। अगला मानव शरीर संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तत्व। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है
थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? न्यूरॉन। सबसे बड़ी धमनी? एब्डोमिनल एओर्टा। ठीक है। सबसे बड़ी सिरा? इन्फीरियर वेना केवा। सबसे लंबी तंत्रिका? सियाटिक। सबसे बड़ी पेशी है? ग्लूटियस मैक्सिसस। सबसे छोटी पेशी? स्टेफिडियस। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण? मोनोसाइट। सबसे अधिक पुनरुत्थान क्षमता? यकृत कोशिका। सबसे कम पुनरुत्थान क्षमता? मस्तिष्क कोशिका। सबसे बड़ा अंग? त्वचा। सबसे व्यस्त अंग? हृदय। सबसे पतली त्वचा? कंजक्टिवा। संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन? 5 से 6 लीटर। सामान्य रक्तचाप? 120 से 80 mmHg। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पुरुषों में 5 से 5.5 मिलियन क्यूबिक मीटर, महिलाओं में 4.5 से 5 मिलियन क्यूबिक मीटर। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120। श्वेत रक्त कणिकाओं की बात करें तो इस सामान्यतः इनका काउंट रहता है 5,000 से 10,000 क्यूबिक मीटर। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल रहता है 2 से 5 दिन। डी एल सी बेसोफिल ये रहती हैं 0.5 से 1.0%। ई सीनोफिल्स ये 1.0% से 3%। मोनोसाइट 3 से 8%। न्यूट्रोफिल फिल्स 40 से 70%। लिम्फोसाइट 20 से 25%। रक्त प्लेटलेट काउंट्स तो याद रखिए ये रहती हैं 2 लाख से 4 लाख प्रति क्यूबिक मीटर। हीमोग्लोबिन पुरुष में होता है 14 से 16 ग्राम प्रति 100 cc, महिला में 12 से 14 ग्राम प्रति cc। सामान्य शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट, दंत वयस्क में 32, बच्चों में 20। ठीक। मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम। क्रेनियल तंत्रिका की संख्या 11 जोड़ी। स्पाइनल तंत्रिका की संख्या यह है 31 जोड़ी। सामान्य हृदय दर 72 से 75 प्रति मिनट। सामान्यतः नाड़ी दर 72 प्रति मिनट। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.4। मूत्र का पीएच मान 6। रक्त का पीएच मान 7.35। पिंक्रियाटिक जूस का पीएच मान 8.5। शरीर में कुल अस्थियों की संख्या 206। शरीर में कुल पेशियों की संख्या 639। शरीर में कुल भार जल का हिस्सा 65%। ठीक। RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? RH फैक्टर, RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का धक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एथोविलास्टोसिस फीटिलिस कहा है। इसका क्या कारण है? पिता का RH प्लस तथा माता का RH माइनस। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है सेरेबियम। सेरेबियम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क। मानव शरीर में किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती? मस्तिष्क कोशिकाएं में। आगे बात करते हैं। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई कौन सी है? न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका।
मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31। पितिवश क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु में। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकांड्रिया में। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु O2 की मात्रा कितनी होती है? 17%। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण होता है? 38। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार। भोजन का रूप में परिवर्तन, ऊर्जा के रूप में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकांड्रिया। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के कारण पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? वायु श्वसन। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 4%। कैप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पाइरूविक अम्ल का। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? लैक्टिक अम्ल। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन सा है? यूरिया। स्तनधारी यूरिया किस में बनाते हैं? एककृत लीवर में। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतरास्रावी ग्रंथि कौन सी है? आउटुक ग्रंथि। मनुष्य रुधिर कहाँ छनता है? वोमेन संपुट में। मूत का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम। गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट कौन सी है? नेफ्रॉन। कृत्रिम गुर्दे किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? डायलिसिस। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? मूत्र में। आगे बात करते हैं, अपोहन का प्रयोग किस अंग की क्रिया को पूर्ण करने के लिए होता है? वृक्क। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए। मानव वृक्क अस्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? कैल्शियम ऑक्सलेट। हेनले का लूप कार्य किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से। सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है? अमनियाटिक द्रव में। दो यगमों के संयोजन को क्या कहते हैं? निषेचन। मानव शरीर में रक्तचाप कहाँ नियंत्रित होता है? अधिवेक ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एडिनल। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतरा स्रावी तथा बाह्य स्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो याद रखिए अग्नाशय। इंसुलिन क्या है? हार्मोन। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिकाएं। इंसुलिन कहाँ उत्पादित होता है? पैनक्रियाज में। इंसुलिन की खोज किसने की? बेंटिंग व वेस्ट ने। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ जो इंसुलिन का स्राव करती हैं कहाँ स्थित होती हैं? अग्नाशय में। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी है? 639। किसकी पेशियों में सौ स्पंदन का गुण पाया जाता है? हृदय। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल। मानव शरीर के अंगों से कॉर्निया का किसका भाग है? आँख का। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कॉर्निया। नेत्र में प्रवेश करने वाली फिकास की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा होता है? आइरिस। अब बात करते हैं आधुनिक चिकित्सा से संबंधित वैज्ञानिक और उनके आविष्कारक, ठीक है। रक्त परिसंचरण, ये विलियम हार्वे हैं इसके आविष्कारक। बैक्टीरिया जीवाणु ल्यूवेनहॉक हैं। टीका लगाना एडवर्ड जेनर। स्टेथोस्कोप लेनक। क्लोरोफ्लोरो निश्चित
चेतक, तो इसके हैं जेम्स सैमसन, रेविटिका लुई पाश्चर, कुष्ठ रोग के रोगाणु हैंसन, हैजा के रोगाणु रॉबर्ट कॉच, तपेदिक के रोगाणु रॉबर्ट कॉच, मलेरिया के रोगाणु चार्ल्स लावेन लावेरान, लिप्थीरिया के रोगाणु क्लेवस वज्रनिक, एस्फीन डेजर, विष्णु विज्ञान विषाणु विज्ञान इवानोस्की व बजरनिक, विटामिन एफ जी हॉपकिंस, फिर डीडीटी पॉल म्यूलर, आरएच कारक लैंडस्टीनर, स्ट्रेप्टोमाइसिन सेलमन वॉक्स वॉक्समैन, एलएसडी हॉफमैन, किडनी मशीन कॉल्ब, क्लोरोमाइसिटिसिन सिटीन, वर्क होल्डर आरी ओआइसिन, डगर रिसरफिन, जल वकील ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टन, लिलेहल हाइड्रोफोबिया चिकित्सा लुई पाश्चर, होम्योपैथी चिकित्सा हैनीमैन, पोलियो छिट्टी का जॉनस सॉल्क, पोलियो ड्रॉप एल्बर्ट सेविन, गर्भ निरोधक गोलियां पेनकस, हृदय प्रतिरोपण शल्य क्रिस्टियन वर्नार्ड, पित्तम परखनली शिशु स्टेप्टो एडवर्ड्स, कैंसर के जीन रॉबर्ट वीनवर, एंटीसेप्टिक सर्जरी लेस्टर, क्लोरोक्वीन कुनेन रेवी, कालाजार की चिकित्सा यूएस ब्रह्माचारी, जेनेटिक कोड हरगोविंद खुराना, टेरामाइसिन फेनले, टाइफाइड के जीवाणु रोवर्थ, डायबिटीज चिकित्सा बेटिंग, पीत बुखार की चिकित्सा रीड। ठीक है, प्लेग व पेचिस चिकित्सा किटा जातो, बीसीजी का टीका यूरिन कालमेट, बेरी बेरी रोग चिकित्सा आइजेंट आइजक मिन, मलेरिया परजीवी रोनाल्डो रोस, रक्त परिवर्तन काल लैंडस्टीनर, विटामिन ए मैकुअन, याद रखना मैकुलन पूछा जाता है, कई बार पूछा है, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी तो इजोक्ट होलकट, विटामिन डी हाफ किंग्स, सेफलिस की चिकित्सा पॉल एरे। ठीक है, याद रखिए, आगे बात करते हैं। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना। मानव शरीर में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए क्या उपस्थित होते हैं? कॉर्न्स। आयरिस का क्या कार्य है? पुतली के आकार को नियंत्रित करना। हृदय किससे वंचित है? ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलुए पर। मानव त्वचा को रंग देने वाले वर्णक कौन सा है? मेलानिन। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे कठोर होता है? दंतवल्क। कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग क्या है? एनिमल। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? यकृत। मानव शरीर का कौन सा अंग प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? मस्तिष्क। ठीक है, मनुष्य को के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? लाइसोजाइम। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग क्या होता है? जल। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? परासरण। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या क्या है? 20। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु है? तांबा। अब बात करते हैं प्रमुख चिकित्सीय उपकरणों के बारे में। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG हृदय के संकुचन व प्रसार के संबंध समय उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल को मापना, हृदय में किसी अन्य प्रकार के विकार का पता लगाना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ मस्तिष्क में होने वाली विद्युत क्रियाओं को निरूपित करना तथा मस्तिष्क संबंधी रोगों का निरूपण करना। थ्रेओटो
एनालाइजर विभिन्न जैव रासायनिक तत्वों जैसे ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच करना, सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफिक, संपूर्ण शरीर के किसी भाग में असामान्यता या विकृति का पता लगाना, शरीर के किसी भी अंग का एक्सरे लेकर कंप्यूटर में विश्लेषण करना, ठीक है। फिर है पेसमेकर। पेसमेकर हृदय की गति कम हो जाने पर उसे सामान्य स्थिति में लाने हेतु उपयुक्त उपकरण है। आगे बात करते हैं। एक वयस्क मनुष्य के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा 100 मिलीमीटर में कितनी होती है? 14.5 ग्राम। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। किसी शारीरिक विक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? रक्त जमाव। कंडरा किसे जोड़ता है? पेशी को हड्डी से। याद रखिए, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? याद रखिए, अधिव्यक्त ग्रंथि। आदमी के कंठ के किस भाग को ऑटो उद्धरत एडम्स एप्पल कहा जाता है? थायराइड उपास्थि को। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम। मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है? कोशिकाओं में तरल। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? कैल्शियम। मनुष्य में सामान्य निरन्न रुधिर शर्करा स्थिति 100 मिली में रुधिर कितनी होती है? 80 से 100 मिलीग्राम। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की पर क्या असर पड़ता है? याद रखिए, संख्या में बढ़ जाती है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है 140 से 180 मिलीग्राम। यदि किसी पुरुष की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाती हो तो उसका रक्तदाब पर क्या असर पड़ेगा? बढ़ेगा। मानव शरीर की किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? दीर्घ अस्थि में। मधुसूदनी अंतरस्राव क्या है? ग्लाइकोलिपिड। अब बात कर लेते हैं कुछ स्वास्थ्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? कुष्ठ निवारक दिवस। 30 जनवरी को कुष्ठ निवारक दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। याद रखिए, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 31 मई को तम्बाकू विहीन दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 27 जून को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त मलेरिया दिवस। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। 1 अक्टूबर रक्तदान दिवस। 7 नवंबर विश्व कैंसर जागरूकता दिवस। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, याद रखिए। बात करते हैं हम लोग चिकित्सा विज्ञान से संबंधित विषयों के योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार। 2015 की बात करते हैं, विलियम सी कैम्बेल। तो याद रखिए, इनका कोई मतलब, अगर आपको मतलब पढ़ना है तो पढ़ लेना, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अभी 2018-19 का में से मतलब जो अभी हैं उन्हीं से पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखिए, तो ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, नए जो नोबेल प्राइज आते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाते हैं उन्हीं के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखकों के बारे में। महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक, तो पुस्तक है एन
एस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन माल्थस ने दिए, जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज टी डॉबजिंस्की ने दिए, माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक ने दिए, लेखक ने इसके, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी हार्वर्ड स्पेंसर ने दिए, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी चार्ल्स लेल ने दिए, साइलेंट स्पिंग रसेल कार्सन ने लिखी है, सिस्टेमा नेचुरी कैरोलस लीनियस ने दिए, द बुक ऑफ इंडियन वर्ड्स सलीम अली ने लिखी है, द डिफरेंस ऑफ मैन डार्विन ने लिखी है। ठीक है, याद रखिए। आगे बात करते हैं गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है। यूटेरस। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन स्राव करती है। एडिनल ग्रंथि। कौन सा अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। यकृत। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए करते हैं। मस्तिष्क की। यदि माता पिता में से एक का रुधिरभाग ए है और दूसरे का ओ है तो इस बच्चे का संभावित रुधिरभाग होगा ए बी। किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। मानव में। ठीक है, मानव में याद रखिए। स्तन पाई में श्वेत ग्रंथियां मूलतः किससे संबंधित हैं। ताप नियम से। मानव श्वेत रक्त खड़ों का व्यास कितना होता है। 0.007 mm। जब व्यक्ति कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है। रक्त में नत जनित अवशिष्ट पदार्थ। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब में क्या अंतर पड़ता है। घट जाता है। ठीक है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होगा। वेहदांत। ठीक है, याद रखिए। तो हम लोग अभी तक कितने चैप्टर खत्म कर चुके। 18 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अगला चैप्टर है हमारा भोजन एवं